हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास है बाजाज डिस्कवर। तो इसमें का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखिए किक शाफ्ट टूट गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये किक शाफ्ट ये टूटा है। देखिए ये किक स्टार्टर से ये टूट गया है। तो आज इस वीडियो के जरिए से ये किक शाफ्ट का पार्ट नंबर भी क्या है, इसका प्राइस क्या है, आज टोटली जानकारी देने वाला हूँ। जो दोस्त काम सीख रहे हैं, जिसके पास डिस्कवर बाइक है, वो दोस्त भी पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक में भी इस तरह प्रॉब्लम है तो कौन सा पार्ट नंबर का चीज़ डालना चाहिए और इसका प्राइस भी क्या है, टोटली आपको जानकारी मिलेगा। तो आइए पहले इसको खोल लेता हूँ और किक शाफ्ट के साथ क्या क्या चीज़ चेंज करना चाहिए वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये खोलने के लिए पहले इंजन ऑयल मैंने ड्रेन किया हूँ, नहीं तो ये साइड खोलने के लिए इंजन ऑयल टोटली बाहर आएगा, इसलिए इंजन ऑयल को भी ड्रेन किया हूँ। ये भी बाहर गया, अभी ये अच्छी तरह से आपको करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो सब देखिए ये टूटा है, आपको 100, 125 और 150 में एक ही डिफरेंस होता है, इधर का एक डिफरेंस होता है, इसलिए इसका पार्ट नंबर सही से जानना जरूरी है। तो पहले ये सैप में जो लिख आया हूँ वो दिखाता हूँ, उसके बाद ये कैसे सेट करना चाहिए वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये सैप लेके आया हूँ और इसका प्राइस 173 रुपीज़। देखिए ये सैप प्लेन एक्स सैप मिलता है, अभी ये बाहर करता हूँ। देखिए ये बाहर तो हो गया, अभी आपको ये डिफरेंस ये लॉक का मार्क देख पा रहे हैं और इधर जो लॉक लगा हो रहता है इधर से डिफरेंस होता है। देखिए ये बराबर है, देख पा रहे हैं। अभी एक टोटली खोल लेना है और खोल कर सेट करना है, तो लॉक यहाँ से मैं खोल रहा हूँ। देखिए एक तो खोलने का काम होने वाला है। उसके बाद जो दूसरा लॉक इधर ये भी बाहर आने वाला है, देखिए ये भी बाहर आ गया। अभी स्प्रिंग ये तो बाहर आ गया। देखिए दोस्त एक साइड तो खुलने का काम हो गया, अभी इसमें एक वॉशर लगा हुआ रहता है, ये इधर आएगा नहीं, ये साइड पतला वाला होता है। ये लॉक खुलने से ये बाहर आएगा, ये दोनों ही बाहर आएगा। अभी एक खोल लेता हूँ और एक खोलने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। ये बहुत ही दिक्कत हुआ है बाहर करने के लिए, ये अभी ये बाहर आने वाला है, इसे लॉक ऊपर आ गए।
देखिए ये हो गया, देखिए इसमें एक वॉशर है आपको देखने को मिल रहा है, ये वॉशर और ये बाहर हो गया। अभी जो नया शाफ्ट उसमें सेट करना है, उसमें सेट करने के टाइम देखिए ये जो शाफ्ट देखिए ये तो मैंने डाला हूँ, ये सेट हो गया। ये वॉशर इधर ही लगा हुआ है, देखिए ये हो गया। अभी ये लॉक को सेट कर लेना है, अभी देखिए ये साइड भी हो गया। अभी यह से जो स्प्रिंग पहले खुला था ये साइड से, वो स्प्रिंग को पहले इधर दे देना है। अभी ये लॉक को सेट करना है, इधर दो लॉक रहता है तो मैंने खुलने का टाइम तो दिखाया। देखिए ए लॉक भी इधर सेट हो गया, अभी और एक लॉक ये सेट हो गया। अभी मेरे को चेंबर में सेट कर लेना है, अभी वो सेट करता हूँ। सेट करके जो किक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखता हूँ। अभी ये सेट करने के पहले ये जो वॉशर, इस वॉशर को इधर देना है, देने के बाद इसको ऐसे में सेट करता हूँ। देखिए ये जो सेट होने वाला है, मेरे को थोड़ा किक की मदद भी लेना है। देखिए ये सेट हो गया, अभी ये सेट कर लेता हूँ। देखिए ये सेट करने से पहले भी और एक वॉशर रहता है, ये वॉशर इधर सेट कीजिए। देखिए ये सेट हो गया, देखिए दोस्त ये टोटली सेट करने का काम हो गया। और देखिए इस सेट का जो काम वो फिर से हो रहा है। मैंने बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपको बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज इतना ही, बस ओके बाय दोस्तों।